ये चक्कर होगा इस फाइनली हम लोगों ने भाई साहब जिंदगी में पहली बार भाई कावड़ उठा ली है। 18 साल में पहली बार ही कावड़ उठा रहा हूँ, वो तो अच्छा सा लग रहा है भाई, है ना। और ये चक्कर हो भाई, सारे के सारे मेरे भाई भोले यहाँ पे जा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेगी भाई, जय भोलेनाथ, जय भोलेगी भाई। भोले के पैर चक्कर हो भाई, पूरे छालों से भर चुके हैं ना, खतरनाक यहाँ पे ये चक्कर हो, छाले ही छाले हैं भाई। जय भोलेगी, जय भोलेगी। ये चक्कर हो गाइस, यहाँ पे ना भाई बारिश बारिश बहुत तेज आ गई है। ये दिखाता हूँ भाई, बारिश चेक करो एक बार, खतरनाक बारिश आ गई भाई, हुल्ला मच गया भाई यहाँ पे ना। चेक करो गाइस, बारिश रात को 10 बजे खतरनाक बवंडर आ गया भाई। जितना आप लोग सोचते हो ना कावड़ उठाना आसान है, चलना आसान है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है, कसम से इतना कठिन परिश्रम है ना, आपको क्या ही बताऊं। पहले दिन में थक जाओगे भाई। वो कहते हैं ना, चीजें सोचने में आसान दिखती है, देखने में आसान दिखती है, लेकिन असलियत में आसान होती नहीं है। फिलहाल टाइम हो रहा है भाई रात का 8 बज रहे हैं, और कसम से गाइस आगे चेक करो, एक रेंज इसलिए आ रहे हैं भाई, रास्ते में ना आसपास बिल्कुल सुनसान हो रहा है भाई, चेक करो आसपास ना जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ है भाई, सामने भाई लाइट भी नहीं है। कुछ एरिया ऐसा भी आता है ना रास्ते में जहाँ पे लाइट वाइट होती नहीं है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, वेलकम बैक टू द न्यू डे। फिलहाल गाइस आज के नए ताजे फ्रेश ब्लॉग की शुरुआत हुई है एक बढ़िया से प्लान के साथ। प्लान मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हम लोगों ने ना गाइस नाना करते भाई 30 दिन हो चुके हैं भाई, पिछले 30 दिनों से फाइनली KTM 390 का ना जो मैग्नेट कवर था, जो इंजन कवर था, वो हम लोगों ने ऑर्डर कर रखा था KTM से, लेकिन भाई अभी तक ना उस चीज के ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है। तो भाई ऑन द व्लॉग, इन द व्लॉग फटाफट हम लोग ना सीधा डायरेक्ट KTM रोहतक में फोन करेंगे, जो भी है सारा सीन भाई सीधा सीधा सॉर्ट करें, फटाफट भाई अपडेट करें क्या चीज है क्या चीज नहीं है। आपको बता भाई काफी दिन हो गए भाई 390 को चलाया नहीं है, मूड बिल्कुल ऑफ है भाई। जैसे भाई ड्रॉइंग रूम में आता हूँ ना 390 को देखता हूँ बहुत अजीब सा लगता है। आपको पता है भाई एक कोने में ना कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 दिनों से ये वाली बाइक खड़ी है और पार्ट का कोई भी अपडेट नहीं है। ये चक्कर होगा इस KTM हस्करना रोहतक के नाम से नंबर आ चुका है नेट के ऊपर ना, और इस पर फटाफट कॉल करते हैं। और गाइस हम लोगों ने ना भाई एडवांस आधी पेमेंट तो दे ही दी थी, बाकी अभी चेक करो भाई उठा लेंगे शायद कॉल ना। हेलो, हेलो, हाँ जी भैया क्या हाल है, गुहाना से बोल रहा हूँ मैं। बोलो जी, बढ़िया। हाँ जी, KTM 390 का हुआ कुछ अपडेट जी, वो अपना मैग्नेट कवर सर एक बार चेक करा देता हूँ, अभी आया तो है नहीं, अगर बिल हो रहा होगा तो। हाँ जी देख लो यार, बिल हो रहा हो तो जी 30 दिन हो गए अपने को ऑर्डर किए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है भैया, है ना। हमारा 20 मॉडल था जी, 2020। हाँ जी ठीक है जी। तो गाइज आपने देख लिया भाई जो भी सीन है ना, फिलहाल भाई सुबह सुबह KTM हस्करना रोहतक पे भाई फोन तो कर दिया, और पिछली बार भी उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम चीज कही थी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बिलिंग होगी, क्योंकि भाई ऐसा सीन रहता है, पहले बिल होता है भाई जो भी पार्ट है, उसके बाद पार्ट ऑर्डर होता है, और उसके बाद पार्ट पहुंचता है। तो अभी भी मुझे लग रहा है भाई ज्यादा नहीं तो 15 दिन और लगेंगे, इतना तो गाइज हम लोग ना आफ्टर मार्केट किसी भी जगह से ले लेते ना तो पार्ट आ जाता, इतना ज्यादा लेट होता नहीं। सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग। फिलहाल तुम्हारा भाई फुल पावर रेडी है गाइज, शाम के टाइम पे ना एक इंपॉर्टेंट सा काम आ चुका है भाई साहब, अपने को पानीपत जाना पड़ रहा है, और छोटी सी 40-50 किलोमीटर की ये वाली राइड रहने वाली है, काफी ज्यादा शानदार। हम लोग जा रहे हैं फाइनली अपनी ब्लू ब्यूटी पे काफी दिनों के बाद, इसमें पेट्रोल बड़ा ज्यादा कम है, पेट्रोल डलवाना है। और आपको बता दूं भाई दोपहर से ना भाई एक भाई अपने से मिलने की कोशिश कर रहा है, बार बार आ रहा है ना, तो उससे मिल लेते हैं पहले। हाँ भाई कैसे हो, क्या हाल चाल, ठीक हो, अच्छे हो, आपका नाम अनिकेत, कहाँ से, विष्णुनगर से ही है, अच्छा अच्छा, कितने दिनों से वेट कर रहे हो मिलने के लिए, 10 दिनों से, क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहीं रहता हूँ भाई, मिल ही नहीं रहा था घर, अच्छा घर नहीं मिल रहा था, अच्छा कोई काम होगा ना, चलो ठीक है, सब ठीक है ना, ठीक है, वीडियो देखनी है ना पूरी पूरी, चलो बाय बाय, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, है ना, चलो ठीक है। बारिश का मौसम हो चुका है भाई यहाँ पे, और हल्की हल्की भाई बारिश भी यहाँ पे आने लगी है। हम लोग जा रहे हैं भाई पूरे अरेंजमेंट के साथ, बैग वैग लेके जा रहे हैं, किस लिए लेके जा रहे हैं रास्ते में बताता जाऊंगा एक एक करके डिटेल में। ये चक्कर गाइस, फिलहाल हम लोग ना भाई अपनी सिटी की मेन रोड पे आ चुके हैं, क्योंकि अपन लोगों को जाना है भाई फटाफट फटाफट पानीपत। आपको बता दो भाई अर्जेंट काम क्या आ गया ना भाई अपने सिर पे एकदम से। आपको बताया वैसे कावड़ वाला सीजन चल रहा है, लोग हरिद्वार से डायरेक्टली अपने सिटी के अंदर कावड़ ला रहे हैं,
तो अपना भी एक दोस्त गया हुआ था जो कि मैंने स्टार्टिंग डेज में आपको बताया था कावड़ लेने के लिए हरिद्वार में, और भाई अभी फिलहाल पहुंच चुका है भाई पानीपत वाले टोल के आसपास। तो वहां पे भाई अपना भोला यानी अपना भाई ना ऑलमोस्ट थक चुका है भाई साहब, तो भाई उसका साथ देने के लिए थोड़ा उसको ना यहाँ तक लाने के लिए सिटी में एंटर कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। आपको बताया यार बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं ना भाई, साथ साथ आते हैं तो भाई मन भी लगता है। बाकी बंदा अपना आ रहा है यानी भाई अपना आ रहा है भाई 250-250 किलोमीटर पैदल की यात्रा करते हुए डायरेक्टली हरिद्वार से कावड़ उठा के ना, हाँ तो उसके पास पहुंचते हैं पानीपत की ओर। बाकी भाई मौसम ना बड़ा ज्यादा खराब होता जा रहा है और भाई आ रहा है बहुत दूर से पैदल, तो लग रहा है वो थक भी गया होगा, भूख भी लगी होगी, और साथ में भाई साहब पैदल वाली जो यात्रा होती है ना भाई बहुत खतरनाक होती है, बहुत परिश्रम वाली होती है। तो मिलते हैं उसको, चेक करते हैं भाई क्या हाल है भाई का ना। और ये चक्कर भाई यहाँ पे पुलिस वुलिस बहुत ज्यादा खड़ी है भाई, किस लिए? ओनली एंड ओनली कावड़ियों के लिए भाई। ये चक्कर भाई यहाँ पे बंदे पैदल चल के आ रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ से, लेकिन भाई पैरों में छाले पड़े हैं भाई मोटे मोटे, है ना। फिलहाल गाइस इसी जल्दी में भाई साहब भाई को लेने के लिए भाई निकल रहे हैं भाई अपनी गोहाना सिटी से बाहर, और प्लान बना भाई एकदम से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ना। ये चेक करो गाइस फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट में पानीपत में पहुंच चुके हैं, पानीपत में गाइस एंटर कर चुके हैं, बाइक अपनी एरी, और ये चेक करो भाई भोला अपना एरा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भाई कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया अभी तक? पच्चीस किलोमीटर रहता भाई मेरे हिसाब से, ज्यादा नाना करते ना भाई साहब 150 किलोमीटर से ऊपर भाई पैदल चल चुके हैं। और ये चेक करो भाई सारे के सारे मेरे भाई भोले यहाँ पे जा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेगी भाई। ये चेक करो ये वाला जो लेन है ना भाई पूरा का पूरा सारे के सारे इस पे भोले चल रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेगी भाई। बहुत अच्छा सा लग रहा है ना भाई, बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी है भाई, बिल्कुल थक चुका है ना भाई साहब, लगातार चल रहा है ना कंटिन्यू। और कावड़ चेक करो भाई अपनी घोहाना की कावड़ आ चुकी है ना यहाँ पे, क्या सुंदर लग रही है भाई कावड़ एक नंबर ना। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, फाइनली अपनी कावड़ भी आ चुकी है, लेट्स गो गाइस निकलते हैं यहाँ से आगे। और पैर चेक करो भाई, बोले कि पैर चेक करो भाई पूरे छालों से भर चुके हैं ना, खतरनाक यहाँ पे। ये चेक करो छाले ही छाले हैं भाई पट्टी के नीचे ना, छाले ही छाले कसम से। और एक एक करके सारी कावड़ जा रही है। जय बोलेगी, जय बोलेगी। वहां चेक करो भाई दूर तक लाइन ही लाइन है ना कावड़ों की भाई। चले चलो भाई, गाइस आप लोग भी पूछ रहे थे ना भाई तुम्हारी कावड़ कहाँ है, तुम्हारी कावड़ कहाँ है। ये चेक करो भाई हमारी कावड़ यहाँ पे है भाई, फाइनली गोहाना की भी कावड़ आ चुकी है, लेट्स गो। ये चेक करो गाइस फाइनली हम लोगों ने भाई साहब जिंदगी में पहली बार भाई कावड़ उठा ली है। और आपको बता दो गाइस दोस्त ना काफी ज्यादा थक गया था, मैंने सोचा हम भी थोड़ा सेवा का भाव ले लेते हैं यार, थोड़ी सेवा हम भी कर देते हैं। और भाई फिलहाल पीछे ना बाइक पे बैठ के आ रहा है, तुम्हारे भाई ने अच्छे से कावड़ उठा लिया भाई। और आपको बता दूं भाई मैं 18 साल का हो गया, 18 साल में पहली बार ही कावड़ उठा रहा हूँ, बहुत अच्छा सा लग रहा है भाई, है ना। जय बोलेगी, जय बोलेगी भाई, जय बोलेगी। ये चक्कर होगा इस फिलहाल ना भाई 18 साल की उम्र में पहली बार अपनी कावड़ उठा रहा हूँ। और आपको बता दूं भाई ऑलमोस्ट अपनी उम्र हो चुकी है 18 साल, और अपनी जिंदगी में पहली बार कावड़ उठा रहा हूँ। फिलहाल गाइस मौसम चेक करो, काफी ज्यादा बारिश वाला, काफी ज्यादा खतरनाक मौसम है, आगे भी सारी कावड़ी चल रहे हैं, बीच में मैं भी चल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो लेट्स गो निकलते हैं आगे। चेक करो गाइस रास्ते रास्ते में ना यहाँ पे कावड़ का शिविर भी है, तो बहुत सारी कावड़ यहाँ पे है जो कि विश्राम लेती है, अच्छा लगता है भाई। फिलहाल गाइस तुम्हारे भाई ने ना कावड़ उठा के ऑलमोस्ट यहाँ पे भाई 2-3 किलोमीटर कवर किया है, और एक्सपीरियंस नेक्स्ट टू ऑसम है। भोले भगवान जी ना पूरी ताकत दे रहे हैं, पूरी पावर दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ से अपना घर यानी मेन मंदिर जहाँ पे जल चढ़ेगा है भाई साहब, ज्यादा नहीं तो भाई 25-30 किलोमीटर आराम से खींच जाएंगे गाइस। बोलो जय भोलेनाथ कॉमेंट सेक्शन में, जय भोले की रुकना नहीं चाहिए। वो चेक करो भाई हाईवे भी है साथ में, और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को चल रहे हैं, यहाँ पे ना व्हीकल थोड़े कम आते हैं इसलिए यहाँ पे चल रहे हैं, बाकी बारिश के कारण ना तबाही गीले हो चुके हैं। बाकी ठीक है भाई, कावड़ कैसी लग रही है कमेंट्स में बताओ, साथ चढ़ गई है आगे चलते हैं, लेट्स गो कावड़ को लेके गोहाना पहुंचते हैं भाई फटाफट। के धर्म से भी
चेक करो गाइस, अपने को चलते चलते भाई ज्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से भाई लगभग 1-1.5 घंटा हो गया भाई। और ये चेक करो भाई, अंश भाई ने कावड़ पकड़ रखी है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूं भाई, जितना आप लोग सोचते हो ना कावड़ उठाना आसान है, चलना आसान है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है कसम से। इतना कठिन परिश्रम है ना, आपको क्या ही बताऊं। पहले दिन में थक जाओगे भाई। वो कहते हैं ना, चीजें सोचने में आसान दिखती है, देखने में आसान दिखती है, लेकिन असलियत में आसान होती नहीं है। फिलहाल टाइम हो रहा है भाई रात का 8 बज रहे हैं, और कसम से गाइस आगे चेक करो, एक रेंज इसलिए आ रहे हैं भाई, रास्ते में ना आसपास बिल्कुल सुनसान हो रहा है भाई। चेक करो आसपास ना, जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ है भाई। सामने भाई लाइट भी नहीं है, कुछ एरिया ऐसा भी आता है ना रास्ते में जहाँ पे लाइट वाइट होती नहीं है। चेक करो भाई, पैर वैर सब गीले हैं, कपड़े गीले हैं, कसम से भाई पूरे पूरे गीले हो चुके हैं। और आज अपना सीन कुछ ऐसा है भाई, भाई को भेज दिया बाइक लेके घर पे, और हम लोग पैदल पैदल जाएंगे भाई यहाँ से। 25 किलोमीटर रह गए अभी फिलहाल गोहाना, और आज ही रात में भाई साहब कावड़ पहुँचानी है गोहाना में। गोहाना में भाई भाई तो लगभग यार 150-200 किलोमीटर चलता हुआ आ रहा है हरिद्वार से ना, नीलकंठ से भाई। नीलकंठ तो बहुत वो हो गया था मुझे आज। अच्छा नीलकंठ में तो बहुत परेशानी हुई मेरे को, बहुत परेशानी भाई। कावड़ का मतलब क्या है, परेशानी भी होगी, सारे एडवेंचर होंगे भाई रास्ते में, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, तुम्हें पता चल जाएगा 7 दिन कैसे रहते हैं बिना घर के। घर की रोटी नहीं खानी भाई, घर वाले मेंबर्स नहीं मिले, फैमिली मेंबर्स दूर है, और आप लोग अकेले चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, चेक करो सुनसान रास्तों पे। और भाई लास्ट में क्या पता हम लोग ना थोड़ी देर शिविर पे रुके, बाकी चेक करो भाई आगे लाइट वाइट कुछ दिख रही है। लेट्स गो, चलते फिरते हैं आगे की साइड पे, भोले बाबा की शक्ति है बस साथ में, और कुछ भी नहीं है। लेट्स गो, जय भोलेनाथ, जय भोले की, निकलते हैं आगे। ये चेक करो गाइस, फिलहाल ना भाई रात को ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे हैं गाइस, जहाँ पे हम लोग रुके हैं भाई एक जगह पे शिविर पे, काफी सारी कावड़ और भी है, और भाई लगा रहे ना अपनी कावड़ को यहाँ पे, अभी चेक करना आराम से। गैस कावड़ में ना एक सीन होता है भाई, आप लोग आराम से झुला रहे हो कावड़ को, और उसके बाद जब उठाओगे ना तो पहले पूजा करनी पड़ती है, फिर चलना पड़ता है भाई। ये चेक करो भाई अपनी कावड़ यहाँ पे मस्त करके लग रही है ना, और भी काफी सारी कावड़ है अंदर के साइड ना शिविर पे, काफी सारे बंदे और भी है। आराम से अंदर चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और निकलते हैं फिर आगे, बाकी रात हो चुकी है बहुत तगड़े वाली भाई, यहाँ चेक करो। बेस्ट टाइम है रात का 8:30 ना, हाँ अंदर चलते हैं, बैठते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। पैर थक गए मेरे भाई। चेक करो गाइस, एक जगह हम लोग रुके हैं ना भाई होटल पे, और सोच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक ले ली जाए, है ना, कौन सी लब ये नहीं समझ आ रहा भाई, पेप्सी लें कि दूसरी लें, पेप्सी ले लेते हैं शायद, है ना, एक मरिंडा ले लेते हैं और एक पेप्सी भाई साहब। लेट्स गो, निकलते हैं फिर यहाँ से। ये चेक करो गाइस, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, पहला ब्रेक लिया ना भाई, और पता है तुम्हारे भाई को मरिंडा काफी पसंद है। 10 किलोमीटर चलाए हैं पहले चक्कर में, बातों में 10 किलोमीटर मजा आ गया भाई, 40 मिनट मजा आ गया यार। भाई भी अकेला परेशान हो रहा था, सोचा मैं भी चलता हूँ साथ में, बाकी फिलहाल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, यहाँ से आगे निकलेंगे, काफी टाइम बाकी है अभी, 2-3 घंटे और लगेंगे भाई, कम से कम 4 घंटे है ना। चलो ठीक है यार, हम लोग भी आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और पहली बार जिंदगी में कावड़ उठा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है भाई मेरे को। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, थकान भी है ना। लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। आदिदेव शंकर चेक करो गाइस, एक बार फिर दोबारा से ना हिम्मत जुटा के निकल पड़े हैं भाई साहब, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिए हैं यहाँ से, आगे देखेंगे कोई भाई बढ़िया शिविर होगा ना, बाहर रुकते हैं फिर। चले मेरे भाई, चलो चलो, जय बोलेगी भाई, निकलते हैं यहाँ से। ये चेक करो गाइस, यहाँ पे ना रात के 9 बज गए हैं, लेकिन कावड़ नहीं रुकी है भाई, चेक करो पीछे से चलती हुई आ रही है भाई, बहुत पीछे से। और यहाँ चेक करो भाई, भाई गया फाइनली अपनी कावड़ उठाने ना एक बार फिर दोबारा, और बंदे चेक करो कितने सारे बैठे हैं। ये चेक करो गाइस, फिलहाल हम लोगों ने ना भाई साहब 5-6 किलोमीटर और चल गए भाई, सेकंड ब्रेक लिया है, और यहाँ पे आ चुके हैं भाई शिव कावड़ शिविर, रास्ते में एक शिविर मिला भाई, और अपनी कावड़ यहाँ पे लगा दी है भाई, चले अंदर। और आपको बता दो भाई, रास्ते में ना कहीं पे लाइट नहीं मिल रही है, पिछले 4-5 किलोमीटर से रास्ता देखना मुश्किल हो गया, बारिश मिल रही है, तेज हवा चल रही है, परीक्षा पूरी है, परीक्षा की पूरी घड़ी है। चेक करो गाइस, रास्ते में लाइट कहीं पे भी नहीं है भाई, और फिलहाल ना भाई भूख भूख लग रखी है, चेक करते हैं क्या सीन है खाने पीने का, रुकते हैं अंदर और देखते हैं भाई क्या चीज़ है ना। लेट्स चेक आउट भाई, हवा देख रहा भाई क्या खतरनाक चल रही है, हवा हवा अलग ही चल रही है। चलो 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 भाई, लाइट भी गायब है ना आज।
ये चक्कर हो भाई, शेड वेड लगा हुआ है यहाँ पे, सारे लोग सो गए ना यहाँ पे, जो लोग थक गए हैं भाई कावर उठा के काफी देर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं वो लोग सो गए हैं। बाकी अपना कोई प्लान नहीं है भाई सोने का यहाँ पे। चेक करो गाइस, फिलहाल ना एक जगह पे रुके हैं और यहाँ पे भाई अपना भंडारा भी आ चुका है शिविर के अंदर। भाई भूख लगी है, सुबह से भूख लगी है भाई। चेक करो भाई, छोटे छोटे बच्चे ना सेवा कर रहे हैं। जय बोलेगी, जय बोलेगी भाई। गाइस कसम से ना पिछले 3 घंटे से चल रहे हैं और कुछ खाने पीने का रास्ते में मिल नहीं रहा था, अभी फिलहाल भंडारा आ गया भाई यहाँ पे ना, फटाफट यहाँ से निकलते हैं भाई, घर पे भी जाना है ना, लेट हो रहे हैं। लेट्स गो फॉर इट, निकलते हैं। ये चेक करो गाइस, यहाँ पे ना भाई बारिश बारिश बहुत तेज आ गई है। ये दिखाता हूँ भाई, बारिश चेक करो एक बार, खतरनाक बारिश आ गई है भाई, हुल्ला मच गया भाई यहाँ पे ना। ठीक है ना कावड़, चेक करो गाइस, बारिश रात को 10 बजे खतरनाक बाउंडर आ गया भाई। बिजली देख रहे हो गाइस, बारिश चेक करो यहाँ पे ना, रात को खतरनाक तूफान आ गया भाई। सो फाइनली गाइस, फिलहाल अभी का टाइम हो रहा है भाई रात के ना 11:30 बज रहे हैं और आपको पता है हम लोग ना शिविर पे रुके हुए थे, आपको पता है बहुत तेज ना बारिश आ गई थी भाई। बोले की जाओगे गोहाना, गोहाना जाओगे भाई, बारिश के कारण ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे रुक चुके हैं भाई टेंट के नीचे शिविर के अंदर। भाई खाना खा लिया बढ़िया है, नहीं खाया? वर्त है क्या? वर्ती हो, गाना जाके खाओगे हैं? चलो रात ने लिकड़ोगे, सुबह 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 लिकड़ेंगे हैं, बारिश आ रही है ना भाई। अब तो गोहाना जाओगे, माम भी गोहाना जाओगे भाई, सुबह आगे जाना। अच्छा अच्छा, तो भाई ऐसा ऐसा सीन है फिलहाल ना, भाई तो अपना सो चुके हैं यहाँ पे, घोड़ा सो चुके हैं भाई, तो लगभग सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी ऑलमोस्ट ना यहाँ पे सोने की तैयारी चल रही है सारी जगह पे, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बाकी होप करता हूँ गाइस आज वाला व्लॉग प्लस आज वाली राइड अपने दिल से पसंद की होगी, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। बोले बाय बाय कर दो, बाय बाय, चलो ठीक है कल मिलेंगे हैं, बाय बाय, जय बोलेगी भाई, जय बोलेगा, जय बोलेगा। चले ये सांस किस तरह।